गूगल में कोई भी चीज़ लेती है उसकी मुकम्मल तफसील करके और उसको अपने पास तब जाके साल पहले की है और ये मातम बुद्ध की बीवी है। सन 1923 ये बुद्धि सत्वा ज्ञान
उनका इंसान जो आता है वो 30 लाख करवाता है हिंदुओं का कल्चर या पान और ये उन हिंदुओं की माँ देवी है, इसको माँ देवी कहा जाता है। ये जो आप लोगों को दिखाया जा रहा है ये हिंदुओं की माँ देवी है जो इंडिया में है, और ये जो माँ देवी है ये इंडिया का कल्चर है और इनकी वजह से तो कल्चर स्टार्ट हुआ है। और जो लक्ष्य आप लोग विजिट करवाते हैं आए आप लोगों टॉयलेट से, यह टॉयलेट है और इसके जो जूम कर यह ज्ञान में मशगूल बुद्धा है। क्या ये ज्ञान में मशगूल बुद्धा, मतलब कि जहां बुद्ध के वो तक दोनों हाथ एक खास अंदाज में दिख रहे हैं और इस ध्यान के मदार, इसे ध्यान के मदार कहते हैं। बुद्धा ने नारवान के हसौर के ज्ञान को ध्यान के ज्ञान को ध्यान के हथनी बनाने पर इस सुरंग है जो UAG कॉलेज की तरफ जाती है, जो आजकल गर्ल्स कॉलेज को पंजाब ने उनको दी हुई है और ये पुराने जमाने की पनिशमेंट दी जाती थी इस जगह पे। और अब गवर्नमेंट ने वो सुरंग जो थी पहले जेल थी, सुंदरदास चोपड़ा ने वो जेल बनवाई अब वो तलीम वालों के पास है, वो जो है तलीम वालों ने उधर UAG कैंपस बनाया है उन लड़कियों के पास और ये इसको म्यूजियम करार दे दिया हुआ है। ये एक ही हिस्सा है लेकिन ये ज़मीनी रास्ते पे इस्तेमाल होते हैं, ये अंदरूनी रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। जी ठीक हो गया, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। सुंदरदास चोपड़ा ने ये बिल्डिंग अपनी बीवी के लिए बनवाई है और जो कि 104 कमरों पर मुश्तमिल है। और उस दौर में भी प्यार मोहब्बत की बातें होती थी कि सुंदरदास चोपड़ा ने अपनी बीवी के लिए ये महल तैयार करवाया था। और ये जो हजारों बल्कि करोड़ों साल पुराना है, उस वक्त हम लोग भी पैदा नहीं हुए थे, हमारे जो अबाऊ अजदाद वो भी पैदा नहीं हुए थे। ये सुंदरदास चोपड़ा ने अपनी बीवी के लिए महल बनवाया था जो कि 104 कमरों पर मुश्तमिल है। जो आज का दौर है इसमें तो 2-2.5 मरला नहीं बनता बल्कि 104 कमरे पर मुश्तमिल है। ये उनकी तस्वीर में ये गुजरात की जो मशहूर मारूफ जो प्लेसेस है गुजरात में, आज से 250 से 300 साल पहले की जो है हम लोग आपको तस्वीरों के जरिए विजिट करवाते हैं। आप लोग उन तस्वीरों के जरिए विजिट कीजिएगा और लुत्फ़ अंदोज़ हो। ये बुर्ज किला गुजरात, ये 300 साल पुराना है और ये है शाहदौला गेट, ये गुजरात में है, ये कहीं और नहीं है, गुजरात में है ये जिले।
ये किला गुजरात के बाकियात का ये महल है, किला गुजरात के बाकियात का महल है और ये गुजरात के बाकियात है। ये चीजें हम लोगों को देखनी चाहिए। ये बुर्ज किला गुजरात है, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये बुर्ज किला गुजरात है। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है, 300 साल पुरानी गुजरात के बाकियात का ये हिस्सा है। चले मैं आपको नेक्स्ट आगे विजिट करवाता हूँ। मेरे व्यूअर्स आए, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी एंड शुक्रिया। ये बालोई खाड़ियां है, बालोई खाड़ियां, ये आपको मैं तस्वीर के जरिए विजिट करवाता हूँ। बाहर वाली बाउंड्री है, 70 सीढ़ियां नीचे जाके सबसे पहले बाथरूम में पानी का कुआं कुआं हो रहा है। कदीपी दोनों के टिब्बे हैं, ये अंग्रेजी फौजी सरदारों की कब्रें हैं। कब्रें मतलब कि जो जंग से लोग उनको बहुत तो बात होगी थी उस वक्त। ये सनातन धर्म हाई स्कूल है हिंदू दोनों का, ये दोनों बच्चे पाकिस्तान से भी पहले राजमहल है ये जलालपुर में, ये मकबरा जमीर है। जब जमीर इधर गुजरात में आया था तो इसी वक्त गुजरात में फान पड़ा शहजादों का मकबरा, ये भी एक सुरंग थी बेसिकली, लेकिन ये उनका मकबरा हुआ करता था जिस पर अपना खुफिया चीजों को। ये दुरानी दौर की कब्र है, ये शिव मंदिर है। आपको पता है हिंदुओं के हवाले से गुजरात पाकिस्तान में तीसरे नंबर में, जहाँ हिंदू बहुत ज्यादा। ये शिव मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर गुजरात में, पुजार में है ये सबसे बड़ा मंदिर। ये आतिश किला मंदिर है, किला उदासी मंदिर, बेवाली मंदिर, सोकला मंदिर, अंदरून गुजरात। ये राम प्यारे का मंदिर था जिसके आज हम महल में खड़े हैं, ये उनका मंदिर था बिल्कुल इस बिल्डिंग के सामने आ रही है। ये समाधियां है, समाधियां वो उसे कहा जाता है जहाँ पे सिख अपनी पूजा पाठ करते हैं, उसको समाधि बोला जाता है। ये बाबा लाल सिंह जी बेदी सिख दौर की समाधियां है सारी, छेक छेक जी। ये सिख दौर की समाधियां है, ठीक है।